सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग टाइम पे यानी भेजे गए वीडियो को देखते हैं और उसका फायदा लेते हैं। ठीक है, तो कल जो फिजिक्स की क्लास में जो वीडियो भेजा गया, जो आज आप लोगों ने देखा और उसमें जो चर्चा हुई, एक हम लोग तीसरी डिवाइस के बारे में देख रहे थे, जिसमें पहले हम लोग बता दिए थे कल भी कि दर्पण आप लोग क्लियर हो गया, लेंस क्लियर कर दिए, ह्यूमन आई मानव नेत्र क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग प्रिज्म की बात कर रहे हैं, नहीं गर्मी देखिए फिर बढ़िया। चलिए तो हम लोग प्रिज्म के बारे में भी कहानी देखिए। आज प्रिज्म से ही रिलेटेड बात आ जाती है प्रकाश की, कारण कि देखिए प्रिज्म के आगे की टॉपिक जो है वह प्रकाश से रिलेटेड है। अब देखिए प्रकाश से रिलेटेड है, अब कहने का मतलब कि देखा जाए यहाँ पर हम लोग सूर्य की प्रकाश या दुधिया रंग की जो प्रकाश होता है, ऐसे प्रकाश के बारे में हम देखते हैं। तो खास करके सूर्य की प्रकाश को अगर देखते हो तो सूर्य की प्रकाश को देखा जाए ऐसे हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं, और ये भाग बांटने के आधार जो बनाते हैं आप लोग तरंग दैर्ध्य बनाते हैं, वेवलेंथ कहते हो, और दूसरा फ्रीक्वेंसी जिसको आप युति कहते हैं। चूंकि पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं नहीं कि प्रकाश के बारे में पढ़े हो कि प्रकाश जो है यानी एक है अनुप्रस्थ तरंग है, क्या है जी अनुप्रस्थ तरंग है, एक ये भी सिद्धांत है ना, एक तो प्रकाश का दूसरा सिद्धांत है कि प्रकाश जो है क्या सूक्ष्म कणों का प्रवाह है। लेकिन पहले तो मानते हैं कि प्रकाश अगर अनुप्रस्थ तरंग है तो इसका मतलब है कि इसके पास एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होगा और निश्चित आवृत्ति होगा, नहीं तो यहाँ पर देखिए कहते हैं कि तरंग दैर्ध्य कहते हो जिसको बोला था कि हमने सूचित करते हैं लैम्डा से, नहीं और दूसरा देखा जाए आवृत्ति बताते हैं, यानी आवृत्ति को सूचित करते हो ऐसे न्यू से बोलते हैं, कौन चीज से न्यू से कहते हैं, तो इसको देखिए न्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए ये सूर्य की जो प्रकाश है इस प्रकाश को अगर देखा जाए तो इसको तीन भाग में लोग बांटते हैं, बस करें जिसमें मेनली रूप से कहा जाए, ऐसे तो है बहुत सारा प्रकाश लेकिन मेनली मुख्य रूप से कहा जाए तो हम लोग कहते हैं पहला जो होता है जिसको कहते हो अवरक्त प्रकाश बोलते हो, नहीं और अवरक्त प्रकाश जो है इसी को कहते हो अधोरक्त बोलते भी है। ठीक है, अधोरक्त प्रकाश बोला जाता है। अब ये जो है देखा जाए तो अधोरक्त प्रकाश हो गया, ये याद करेंगे तो ये समझे कि सूर्य की जो प्रकाश है उस प्रकाश में जो गर्मी होता है जिसके कारण आपको पसीना चलते हैं, जिसके कारण देखिए आपको बेचैनी बढ़ जाती है, परेशान होते हैं, तो समझे कि सूर्य की प्रकाश में एक प्रकाश है जो आपको गर्मी देता है, और वो गर्मी देने वाला प्रकाश होता है अवरक्त प्रकाश होता है, बात समझे। दूसरा देखिए प्रकाश जो होता है वह प्रकाश होता है देखिए दृश्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है, और दृश्य प्रकाश जो होता है ये हमारी समझिए कि आंखों को देखने की अनुभूति प्रदान करता है, इसके बारे में तो कहते हो कि ये बताओ गर्मी यानी कि प्रदान किया, तो ये तुम्हारा गर्मी यानी प्रदान करता है और ये जो है तुम्हारा नेत्रों के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेत्रों के लिए क्या है आवश्यक है समझिएगा,
तो ये जो हो जाता है ये नेत्रों के लिए जरूरी है, बस मनी रहे। जैसे कि देखिए अब मानते हैं हीटर जला दिया, ये आग है, अब आग को अंधेरे कमरे में रखा जाए, ठीक है, तो उस आग से भी हल्का लाइट निकल रही है, लेकिन क्या बताइए उस लाइट की उपस्थिति में आप पढ़ ले पाएगा? बोले आग है, आग से लाइट निकल रहा है, तो क्या उस लाइट में तुम ये सभी रंग की वस्तु को देख पाओगे? नहीं। तो इसका मतलब है कि अब रक्त प्रकाश जो है हमारी आंखों के लिए जरूरी नहीं है, बस मगे ये जरूरी है तुम्हारा गर्मी के लिए, उष्मा के लिए, हीट के लिए, जिसके कारण दुनिया में बहुत सारी चीजें जीव जंतु बच रहे हैं, है ना? लेकिन हमारी आंखों के लिए जरूरी है तो वो है आपका दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश करने का मतलब है जो हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए जो मदद कर रहा है। तो किसी वस्तु को देखने में जो मदद करता है हमारे नेत्रों को, वह प्रकाश होता है दृश्य प्रकाश, जिसको भी जीवो लाइट कहते हैं। बात समझ रहा? पहला लाइट बताया कि अवरक्त प्रकाश है सूर्य की प्रकाश में, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यही अवरक्त प्रकाश है। देखता है आज गर्मी के दिन में, आज तुम्हारे तत्व से बारिश हो रही है, लेकिन बताओ गर्मी का दिन हो, जून जुलाई हो, तो बताओ कितनी गर्म हो जाती है हवा कि देखता है तुम्हें लू लग जाती है? नहीं, बताओ गर्म हवा तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता है। ये हीट जो है गर्मी, वह अवरक्त प्रकाश की वजह से बनता है। लेकिन दूसरी प्रकाश है ये दृश्य प्रकाश, जैसे कि बताए दृश्य प्रकाश बल्ब है, अब घुटिया रंग का बल्ब है, और ऐसे बताओ प्रकाश निकल रही है, तो एक प्रकाश में उतनी गर्मी नहीं है, है गर्मी? तो जिसमें गर्मी नहीं हो लेकिन हमारी आंखों के लिए जरूरी हो, बस मरे हो, तो उसको कहते हैं दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश में यानी सात रंग पाया जाता है, और इस बात का खोज करने वाला वैज्ञानिक न्यूटन था। किसने था? न्यूटन था। और न्यूटन ने ये जो सात रंग को पकड़ा, वो पकड़ा प्रिज्म से, पकड़ा कांच से, पकड़ा प्रिज्म से, पकड़ा, याद करेंगे? तो एक दृश्य प्रकाश में सात रंग होती है या सात रंगों का मिश्रण होता है, तो समझिए कि इस बात का पता लगाने का काम न्यूटन ने किया, और इसको प्रयोग करके साबित भी करके दिखाया, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो एक दृश्य प्रकाश ये हमारे नेत्रों के लिए आवश्यक है, लेकिन ये जो तीसरा काम करते हो, ये होता है प्रकाश में, याद कीजिए प्रबैंगनी प्रकाश करते हो, समझिएगा? तो प्रबैंगनी जो प्रकाश हो गया, समझिए ये प्रकाश हमारी आंखों के लिए जरूरी नहीं है, बस मने, बल्कि हमारी आंखों के लिए खतरनाक है, बस मने ना? ये हमारे आंखों तक अगर पहुंचता हो तो हमारे आंखों के लिए खतरनाक है। भले ही कुछ अर्थों में भी कहते हैं कि ये प्रबैंगनी भी आपके लिए लाभदायक होता है, जैसे कि मानते विटामिन डी है, तो विटामिन डी की मात्रा जो होता है वह प्रबैंगनी प्रकाश में, लोगों का मानना है कि ऐसे ज्यादा होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए फायदा कर सकता है, लेकिन ऐसे जो समझिए ये आपका हानिकारक माना जाता है, ठीक है? ये हानिकारक यानी विकिरण होता है, जिस विकिरण को जमीन पर पहुंचने से पहले प्रबैंगनी के द्वारा रोका जाता है, सॉरी ओजोन के द्वारा इसे रोका जाता है। तो ओजोन जो बोलते हो, ये ओजोन का स्तर होता नहीं, तो देखे थे ओजोन स्तर द्वारा यानी रोका जाता है, किसको रोका जाता है? प्रबैंगनी प्रकाश को रोका जाता है, बात समझिएगा? तो यहाँ पर तुम लोग को जो देख रहा है दृश्य प्रकाश, ऐसे दृश्य प्रकाश के बारे में हम लोग को विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करना है। देखिए यह समझे ना सर बच्चे कि ये जो दृश्य प्रकाश हम लोग कहते हैं, तो दृश्य प्रकाश ठीक है ना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यानी विजिबल लाइट, और ये विजिबल लाइट जो होता है जिसके बारे में न्यूटन ने कहा था
कि दृश्य प्रकाश याद समझिए कि कहता है श्वेत प्रकाश कहते हैं, समझिए तो श्वेत प्रकाश का मतलब हो गया यानी सूर्य की प्रकाश ही। कौन प्रकाश? मतलब दृश्य प्रकाश में आपकी आंखें सभी रंग की वस्तु को अगर देख लेता है तो उसको हम लोग श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। अश्वेत प्रकाश जो होता है यानी सात रंगों का, ठीक है, सात रंगों या बता वर्णों, ठीक है, यानी वर्णों का मिश्रण होता है। तो ये बात जो है ये बताया किसने हमको बताया? तो ये बताया न्यूटन ने। किसने बताया? ये बात बताया न्यूटन ने, समझिए। और किसकी सहायता से बताया? यानी प्रिज्म की सहायता से, यानी प्रिज्म का प्रयोग किया। आप प्रयोग करके यानी कि लोगों को बताया कि देखा जाए दृश्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश जो होता है वह सात रंगों का मिश्रण है। अब इस बात का वो पता कैसे लगाया कि इसमें सात रंग होता है, ठीक है? तो सात रंग का पता कैसे इनको चला, ये कहानी आ जाता है प्रिज्म से। अब इसमें देखिए आप लोग कहा करते हैं कि ये सात जो रंग होता है जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बैजानी पीनाला कहते हैं, नहीं जिसको कहते हो तुम लोग यानी VIP GOR कहते हो, ठीक है। तब VIP GOR यानी इसमें सात रंग देखिए है। और आप लोग जानते हैं कि इसमें बै का मतलब होता है बैगनी, जा का मतलब होता है जामुनी, नी का मतलब नीला, ह का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी और ला का मतलब लाल। धी से हो गया देखिए वायलेट, आई से हो गया इंडिगो, बी से हो गया ब्लू, जी से हो गया ग्रीन, वाई से हो गया येलो, ओ से हो गया ऑरेंज और आर से रे। तो ये सात रंग होते हैं जिसके बारे में पहले ही तुम लोग को हम बता चुके हैं कि अगर इसका तरंग दैर्ध्य देखा जाए, नहीं तो तरंग दैर्ध्य के आधार पर अगर चलते हो तो सभी बच्चे आप लोग जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य जिसको देखिए लैम्डा से सूचित कर रहे हो, और लैम्डा को अगर एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं भी यानी या तो आपने मीटर में ले लिए या तो फिर ले सकते हैं एंगस्ट्रम में भी लेते हैं। अब इसमें दिखता है कि जो आपका तरंग दैर्ध्य के अगर आधार पर चलते हो, ठीक है, तो आधार पर अगर चलते हो तो बताए थे तुम लोग कि इसमें से देखा गया बैगनी, ठीक है, जो बैगनी होता है ये बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यानी सबसे कम होता है, और बैगनी से ज्यादा देखिए आपका जामुनी का हो जाता है, और जामुनी से ज्यादा देखिए वहां से यानी नीला का हो जाता है, नीला से भी ज्यादा देखा जाए तो हरा का हो जाता है, इससे ज्यादा देखा जाए तो पीला का हो जाता है, और इससे ज्यादा देखिए तो नारंगी का होता है, और सबसे ज्यादा आइए तो लाल का होता है, समझिएगा। अब तुम लोग को बताए कि हाँ बताओ सात रंग है, आ सातों रंग का तरंग दैर्ध्य जो है वह अलग अलग होता है, जिसमें बैगनी रंग जो वायलेट करे हो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, याद करेंगे। तो आप लोग को हमने बताया, याद कीजिए कि जब कोई भी प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो अपने पूर्व पथ से विचलित रहता है। कल हमने फिल्म में भी दिखा रहे थे, इसके पहले तुम के और पारदर्शी माध्यम में दिखाए, पानी में दिखाए, कांच में दिखाए, सब दिखाए हैं, है ना। तो बताओ कि यहाँ पर सोचेगा कि आप लोग को बताएं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो वो प्रकाश बताओ सीधे पार नहीं कर गया, बल्कि क्या हो गया, वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो गया, पूर्व पथ से हट गया। कारण कि आप लोगों को बताया पहले भी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन तरंग
अतरंग दैर्ध्य बदल जाता है तो उसका स्पीड बदल जाता है। बात समझ रहा है? तो आपने ये भी पढ़े हैं कि जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, माने पूर्व पथ से हटता है लेकिन वह बहुत छोटा सा कोण से विचलित होता है, विचलन कोण उसके लिए बहुत कम होता है। कल विचलन कोण बताए हैं कि जिस पथ से वह जा रहा था वह कितना उससे हटा, तो वहां पर दोनों के बीच में कोण बनाया था तब कहा था कि विचलन कोण है, ठीक है। तब विचलन कोण जो होता है वह सब निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। जिसका तरंग दैर्घ्य याद रखें सब लड़के, जिसका तरंग दैर्घ्य जो होता है अधिक होता है उसका विचलन कोण कम होता है, आज जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन कोण ज्यादा होता है। ये बात हम लोग अपवर्तन से ही जान रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए अगर विचलन कहते हो तुम लोग नहीं, तो यहाँ पर विचलन कहते हो या फिर देखिए विचलन कोण कहते हैं, तो एक विचलन कोण कहते हो, समझिए ना सब लड़के, समझने की चीज है, समझोगे तो फिर रटने की कोई जरूरत नहीं है। होता है कि विद्यार्थी लोग के सबसे बड़ी डिमेरिट होती है वो किसी चीज को समझने से कतराते हैं। आप लोग के बराबर कहते हैं समझिए और समझिए तो उसको आपको लगेगा कि कोई साइंस में तो जान लेंगे, साइंस की मतलब सोचो और सोचिए तब ना आगे बढ़ेगा। स्किलिंग पावर, स्किल पावर कैसे बढ़ेगा, जो तुम्हारा स्किल पावर है तो सोचने से बढ़ती है, आप जितना सोचिए आपका स्किल पावर बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने बोला कि लाल रंग की जो होता है इसका देखा जाए तरंग दैर्ध्य बताइए सबसे ज्यादा होता है, तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब कि लाल रंग का जो होता है प्रकाश उसका विचलन कोण सबसे कम होता है, और लाल से हो गया तो देखा जाए नारंगी का हो जाता है, इससे भी ज्यादा देखिए तो पीला का हो जाएगा, इससे आगे बढ़िए तो हरा के लिए होगा, इसके लिए आगे बढ़ते जाइए तो नीला का होगा, नीला से पहले बढ़िए तो जामुनी का होगा, और जामुनी से आगे बढ़ते हैं तो यानी बैंगनी का हो जाएगा। मतलब कि बैंगनी रंग की प्रकाश का विचलन कोण सबसे ज्यादा होता है। अब इसी कारण पर है, यही बात है कि न्यूटन ने जो है खोज कर दिया कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर देखिए उन्होंने समझेगा सर विद्यार्थी इस तरह से प्रिज्म लिया, तब प्रिज्म की कहानी तो सब बताएंगे कल कि यहाँ पर भले ही एक त्रिभुज हम दिखा रहे हैं लेकिन त्रिभुज द्वारक बन गया, प्रकाश तो बताओ इसको आयताकार सतह पर मारी गए कोई दिक्कत नहीं, तो आप बताए कि यहाँ से मान लेते हैं कि इसका द्वारक बना रहे हो लेकिन प्रकाश इसके अपवर्तक सतह पर मार रहे हैं। अब देखिए यहाँ से जब श्वेत प्रकाश आपने ले लिया, श्वेत प्रकाश का मतलब कि इसमें देखा है 7 रंग था, सोचना है समय पर। अब यहाँ से देखिए यहाँ से श्वेत प्रकाश ले रहे हैं, मानते हैं सूर्य की प्रकाश है या टॉर्च की प्रकाश है, कोई भी दिखाई प्रकाश अगर लेकर चलते हैं और इस तरह से मानते हैं प्रकाश आ रहा है, ठीक है जी, सीधा स्केल पे लिखिएगा। तो यहाँ से बताइए कि अगर हम लोग प्रकाश लेकर चलते हैं और इस तरह से आइए यहाँ पर चलते हैं, इस तरह से प्रकाश लेकर चलते हो यानी श्वेत प्रकाश। अब बताएंगे सभी लड़के कि श्वेत प्रकाश यहाँ पर आइए यानी देखिए हवा से अब कांच में प्रवेश कर जा रहा है। अब यहाँ पर बताइए आप लोग को कल की फिगर में बताए थे कि एक होता है इसका तो आपतन बिंदु हो गया, और आपतन बिंदु पर बताइए अगर चाहेंगे तो बताओ यहाँ पर लंब डाल सकते हो ना, तो ये बताओ यहाँ पर हमने नॉर्मल लिया, देखा है सभी लड़के, तो एक मतलब हो गया कि देखिए ये तो बताओ यहाँ पर जो आपने ले गया ये तो आपतित किरण का काम कर रहा है, तो यहाँ से बताइए ये तो हो गया तुम्हारा कौन चीज आपतन कौन हो गया, ठीक है ना। ये अगर यहाँ पर देखिए हम लोग लंब ले लेते हैं,
तो यहाँ पर बताओ प्रकृति कोण ले लिया लंब लिया तो ये जो कोण बताओ ये हो गया अभिलंब और ये आपतित किरण हो गया तो ये तो आपतन कोण हो गया। लेकिन ये बताइए सोच करके कि अब यहाँ से प्रकाश तो आगे नहीं बढ़ेगा, अब हुआ क्या कि यहाँ से बताओ चूंकि इसमें सात तरंग जा रहा था और सातों का तरंग अलग अलग था तो सातों का बताओ विचलन कोण भी तो आगे आगे हो जाएगा। इसका मतलब है कि देखिए एक प्रकाश यहाँ से सात भाग में देखिए टूटना शुरू हो गया। देखिए इस तरह से सब के लिए देखा जाए अपवर्तन कोण जो है वो देखा ये अलग अलग होने लगा। बात समझिएगा इस तरह से यहाँ से चलिए देखिएगा ये हो गया तुम्हारा अपवर्तित किरण हो गया तो अपवर्तित किरण हो गया एक मतलब है कि यहाँ से बताओ कोण जब देखोगे तो इस तरह से कोण आएगा नहीं तो ये बताएगा इस तरह से आपका आ गया। अब पुनः यहाँ से आगे बाहर निकल रहा है तो सघन से फिर विरल में जाएगा। अब यहाँ पर बताओ फिर अगर जाओगे तो हर एक जगह पर क्या करिएगा लंब डालोगे और जब लंब डालोगे तो बताओ ये अभी लंब से दूर हटेगा ना तो जब दूर हटेगा तो बताओ प्रिज्म के पीछे में अगर कोई पर्दा रख दिया जाए कौन सी रख दिया जाए पर्दा रख दिया जाए तो यहाँ से बताओ निकलेगा तो इस तरह से देखा जाए यहाँ से प्रकाश गया यहाँ से बताइए सोच करके ये प्रकाश इस तरह से गया और एसी के बीच में देखा जाए सब अलग अलग कोण से जबकि यहाँ पर मुड़ना शुरू हो गया। अब यहाँ पर बताइए कि सूर्य की प्रकाश जो आपने श्वेत प्रकाश को यहाँ पर लिया ठीक है देखा जाए इस तरह से तो बताओ कि एक प्रिज्म से पार होने के बाद एक श्वेत प्रकाश था क्या बताओ बाहर निकला तो एक एक प्रकाश निकला है बोलिएगा बोलो एक विद्यार्थी बताओ प्रिज्म से होकर के जब प्रकाश पार किया तो जो निर्गत किरण जो आप लोगों ने कल देखा था ये निर्गत किरण जो मिला वो बताओ क्या एक मिला नहीं तो क्या मिला सात मिला। और जब बताओ इसको पर्दा सफेद कपड़ा पर अगर ले लिया जाए तो बताओ इस सातों रंग की एक पट्टी दिखाई पड़ेगा कि नहीं जैसे आकाश में इंद्रधनुष। अब आकाश में इंद्रधनुष जब बनता है तो देखता है सात रंग की पट्टी होती है ना तो यहाँ पर भी देखिए सात रंग की पट्टी आई और ऐसे सात रंग की जो पट्टी होती है इसी को हम लोग कहते हैं यानी वर्णपट कहते हैं। तो देखिए एक वर्ण पट होता है या एसी को देखिए स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में देखिए लाल रंग का फल नहीं बोला कि विचलन सबसे कम होगा तो ये लाल रंग का विचलन सबसे कम हुआ देखिए हटा तो था सातो लेकिन अपने रास्ता से जितना एक बैगनी रंग हट गया क्या उतना रंग बताओ कोई और हटा है नहीं हटा है। इसका मतलब है कि लाल रंग की प्रकाश देखिए इसमें सबसे ऊपर हो गया और जो बैगनी रंग की प्रकाश था वो सबसे नीचे हो गया। यहाँ बैगनी के बाद कहा कि जामुनी हो गया यहाँ से नीला कहा यहाँ पर देखिए हरा कहा यहाँ पे ऑरेंज येलो हो गया और ये ऑरेंज हो गया तो सात रंग की पट्टी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि नहीं। इस सात रंग की जो यहाँ पर पर्दा पर आया एसी का नाम पर यह स्पेक्ट्रम एसी को कहते हैं वर्ण पट और इस सात वर्ण में जो टूटा एसी घटना का नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं या एसी को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे पूछता है तो उसे यही जवाब दीजिएगा कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है कहाँ से होकर के प्रिज्म से होकर के जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद जो निर्गत किरण देख रहे हो अपवर्तित किरण को जब पर्दा पर उतारा जाता है तो देखा सात रंग की पट्टी दिखाई पड़ा तो कहता श्वेत प्रकाश सात रंगों में विभक्त हो जाती है टूट जाती है तो सात रंगों
प्रकार से घटना का नाम वर्ण विक्षेपण होता है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पूछे या फिर वर्ण पट या स्पेक्ट्रम पूछे, इसका डिफिनेशन यही दिए। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग अगले दिन क्लास में मिलेंगे और स्पेक्ट्रम की एक विशेष कहानी बताएंगे, इंद्रधनुष कैसे बन जाता है इसकी कहानी बताएंगे। लेकिन यही प्रयोग करके न्यूटन ने खोज किया था कि श्वेत प्रकाश सात रंगों का मिश्रण होता है, अर्थात सात रंग होता है, इसको और प्रयोग किया है जो अगले क्लास में तुम लोग को दिखाएंगे। आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, और ध्यान लगा के पढ़िए, समय बेकार मत बिताइए।